झीलों का शहर उदयपुर वैसे तो सिर्फ पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन बहुत जल्द यह फैशन जगत में भी अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट। फैशन की बात आती है तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के नाम ही जहन में आते हैं, लेकिन अब इस फेहरिस्त में राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर भी शामिल हो गई है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए आइबा इंडिया अवार्ड में पूरे देश के करीब 120 फेमस हेयर स्पेशलिस्ट शामिल हुए, जिसमें कुल 27 तरह के अवार्ड में से 7 अवार्ड उदयपुर के प्रतिभागियों की झोली में आए। मैंने जेंट्स ट्रेन कट में बाहर पार्टिसिपेट किया था जो दिल्ली में हुआ था आइबा अवार्ड, उसमें मेरे को 25 मिनट्स में जेंट्स का हेयर कट करना था और स्टाइलिंग करना था, तो उस कैटेगरी में मुझे ऑल इंडिया ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उदयपुर के उभरते हुए हेयर स्पेशलिस्ट ने ज्यादातर कैटेगरी में न सिर्फ अपनी पहचान दर्ज कराई बल्कि 7 अवार्ड जीत कर लेक सिटी की प्रतिभा को भी साबित कर दिया। इन प्रतिभागियों को ट्रेनिंग देने वाले भी इनकी परफॉर्मेंस देखकर खासे खुश हैं और उनका भी मानना है कि छोटे शहरों के स्पेशलिस्ट ज्यादा मेहनत और लगन से काम करते हैं। जितनी छोटे जगह का इंसान जितनी मेहनत कर सकता है उतना शायद मेट्रो सिटी का बंदा नहीं करता, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो सब फेम मिला हुआ है, उसको ऑलरेडी नाम मिला हुआ है, वो ऑलरेडी बॉलीवुड में काम करता है। पर हम लोग कैसा, हम लोग काम नहीं करते, पर हम लोगों के अंदर गट्स होते हैं कि हमें भी काम करना है। पर्यटन नगरी में उभरती ये हस्तियाँ अब आगे मलेशिया में होने वाले एशियाई कॉम्पिटिशन की तैयारियों में जुट गई है। वही ये लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हेयर कटिंग और कलरिंग को सिर्फ एक पेशा ही न समझा जाए बल्कि इसे एक कला समझकर सरकार सहयोग के लिए भी हाथ बढ़ाए। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली।